हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पेपर कप मशीन की नली यूनिट को कैसे सर्विसिंग की जाती है। जैसे कि ये अभी मशीन में लगी हुई है, इसको हम निकाल के इसको अच्छे से सर्विस करके लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नर्लिंग की जो यूनिट है उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया गया है, पूरा खोल दिया गया है और साफ़ कर लिया गया है। ये सेंटर पार्ट है इसका, इसमें जो ब्लॉक है वो मूव करता है। ब्लॉक को अच्छी तरीके से साफ करके इसमें लगाए, ब्लॉक को इस तरीके से मूव करना चाहिए ताकि इजीली आपकी नर्लिंग हो सके। ये देखिए, दोनों तरफ नर्लिंग के ब्लॉक लगा दिए गए हैं और लड़का चेक कर रहा है कि ये सही तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे ही काम करना चाहिए। इसके बाद अब इसमें हम स्प्रिंग लगाएंगे ताकि ब्लॉक जो सेंटर में है वो अपनी पोजीशन में काम करने के बाद वापस आए। उसके बाद ये इसका टॉप पोर्शन लगाया जाएगा इस पोजीशन में। इसकी टॉप की प्लेट भी लगा दी गई है। एक बार ये फिर से चेक कर रहा है कि सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अभी इसका कवर को बंद करते हुए, जो सेंटर पोजीशन है उसकी कवर को लगाते हुए, ये कवर लग जाने के बाद भी ये आसानी से काम कर रहा है अपना। इसके बाद दोनों साइड ब्लॉकों में हम बोल्ट टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद सेंटर रॉड को लॉक करने के लिए इसमें हम बोल्ट टाइट कर देंगे ताकि जो हमारा रॉड है वो अपनी जगह पे ही रहे, इधर उधर ना जाए। ये जो यूनिट है वो इसी ग्रुप में चलता है, ये तो इसको अच्छी तरीके से एक बार टाइट कर लें। इसके बाद इसमें अच्छी तरीके से जो टेपर रोलर बेयरिंग है इसमें अच्छे से ग्रीस लगा लीजिए ताकि जो आपकी बेयरिंग है वो स्मूथली वर्क कर सके। अंदर भी लगा लीजिए इसका जो कॉलर है बेयरिंग का, और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि अंदर कुछ भी किसी प्रकार का डस्ट ना रहे जिससे आपका बेयरिंग ख़राब हो। ये बॉटम साइड से टेपर रोलर बेयरिंग जाता हुआ, ये देखिए किस तरीके से बेयरिंग बैठना चाहिए। अगर हम इसको उठा के भी देखेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसके बाद बेयरिंग को लॉक करने के लिए चकनट डालेंगे हम। चकनट की पोजीशन देख लीजिए किस तरीके से आएगी। चकनट को टाइट करते समय याद रखें इसकी चूड़ी उल्टी रहती है। अभी इसमें लॉक नट बिठा दीजिए। लॉक नट को अच्छे से टाइट कर दीजिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में टाइट होता है। इसके बाद इसमें हम स्प्रॉकेट व्हील लगा देंगे। इसके बाद अब हम इसमें थ्रस्ट बॉल बेयरिंग बिठाएंगे, ये इस टाइप की रहती है। इसके बाद हम इसमें अपनी बॉल बेयरिंग बिठाएंगे। इसमें बेयरिंग लग जाने के बाद लास्ट में बस इसका कवर और आता है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, नर्लिंग असेंबली पूरी
अच्छी तरीके से सेट हो गई है, उसको फिज़िकली एक बार चेक कर लें। उसके बाद इसमें अपने तरीके से हाइट एडजस्टमेंट करके यहाँ नीचे से आप इसको सेट कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कैसे आपको नर्लिंग असेंबली की हाइट एडजस्ट करनी है। धन्यवाद।